हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पे। तो अभी देख सकते हैं मैं देवरिया के स्टेशन पे आ चुका हूं और अभी सूरज भाई से बात हुई है तो अभी बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आ रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को देवरिया का बस स्टेशन का नज़ारा दिखा दिया जाए। तो अभी देख सकते हैं ये पूरा बस स्टेशन है और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से देख सकते हैं पीछे रैन बसेरा भी यहाँ पर लगाया गया है। ज़रूरी भी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी अगर रात्रि को यात्री आते हैं तो ठंड के मौसम में घर नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए रैन बसेरा कर दिया गया है। तो चलिए ये सब चीज़ें अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये दोस्तों, ये है देवरिया का बस स्टैंड जो कि आप लोग देख सकते हैं और पीछे एक बस अपनी साइड ले रही है। तो पूरा सीन ये देख सकते हैं, तो पीछे जो देख रहे हैं ये बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे उनका विश्रामालय है, सार्वजनिक शौचालय, जो भी नहाना धोना है उनका रहता है काम क्रिया यहाँ पे वो लोग करते हैं। और यहाँ पीछे मंदिर आपको दिखाई दे देगा और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये है रैन बसेरा जो कि देवरिया के जिला अधिकारी और देवरिया के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये लगाया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस समय और आज है जनवरी का 16 तारीख, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ठंडी है अपने चरम सीमा पे पूरी तरह से आ चुकी है। तो ये पूरा ज़रूरी है रैन बसेरा क्योंकि रात में कोई भी यात्री अगर फंस जाता है और घर नहीं जा पाता है तो यहाँ पे इस रैन बसेरा में आराम कर सकता है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं यह प्रतीक्षालय है जो कि अभी काफ़ी जर्जर हो चुका है, बहुत पुराना बस स्टैंड है देवरिया ज़िले का और देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा जर्जर। यहाँ पे अब लोग नहीं रहते हैं लेकिन सारा लोग यहाँ पे अभी ठहर रहे हैं, ये बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं दोस्तों गोरखपुर और ये गोरखपुर का बस स्टैंड जो कि देख सकते हैं मैं पहले ही उतर गया हूँ, बस स्टैंड आगे है। तो यहाँ पर थोड़ा हमको काम था इसलिए हम यहीं उतर गए हैं गोरखपुर बस स्टैंड साथ और यहाँ पर सूरज भाई भी है साथ में। तो दोनों लोग हम आ गए हैं गोरखपुर अभी फिलहाल और चलते हैं गोरखनाथ मंदिर के लिए। तो अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे, आगे शायद ऑटो पकड़ना पड़ेगा ना, तो ऑटो हम लोग को यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों अभी गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे हमको जाना है गोरखनाथ मंदिर जो कि वहाँ पे खिचड़ी का बहुत ही अच्छा मेला लगता है जो कि पूरे एक महीने लगता है और काफ़ी फेमस ये मेला लगता है और काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप खिचड़ी दिनों में आते हैं यानी खिचड़ी के दिन आते हैं तो आपको बहुत ही क्राउड देखने को मिलता है, जो कि आज दूसरा दिन है, खिचड़ी तो कल तक बीत गया 15 तारीख को और आज है 16 तारीख यानी 16 जनवरी जो कि बीत चुका है। इसलिए हम पहले दिन नहीं आए थे क्योंकि उतना ज़्यादा क्राउड होता है कि दोस्तों वहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। आज मैं दूसरे दिन आया हूँ क्योंकि दोस्तों आज दूसरा दिन है तो थोड़ा क्राउड यानी भीड़ कम मिलेगी, इस वजह से मैं आज दूसरे दिन आया हूँ। दोस्तों अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए, थोड़ा सा और हमको चलना पड़ेगा साथ में सूरज भाई। तो हम लोग दोनों लोग चल रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के लिए जो कि ऑटो पकड़ेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये बस स्टैंड है जो कि देख सकते हैं पूरा बसें लगी हैं और इसी बस से हम लोग आए थे। तो पीछे काफ़ी पीछे हम लोग उतर गए थे, कुछ काम था। तो अभी चलते हैं